ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्वद चतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादि भेदे वाग्देवीं तामुपास्महे. मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है इतिहास विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम यूरोप में आधुनिक युग. ये कार्यक्रम BA प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई से संबंधित है. कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ है डॉक्टर रंजना शर्मा. इस कार्यक्रम का संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने. आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम यूरोप में आधुनिक युग. नमस्कार, इतिहास विषय के विद्यार्थियों, आज आपका स्वागत है. आज आप जो मुझसे पेपर पढ़ेंगे वो आपको जो फर्स्ट ईयर में सेकंड पेपर चलता है आधुनिक पाश्चात्य इतिहास की प्रमुख धाराएं, उसके जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आधुनिक युग और पुनर्जागरण की विशेषताओं के अंतर्गत मैं आपको डिटेल्स नोट्स दूंगी. जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये यूनिवर्सिटी का पैटर्न हो गया है, शॉर्ट क्वेश्चन आना, लेंथी क्वेश्चन आना और ऑब्जेक्टिव, मैं उसी आधार पर आपको इस टाइटल पर नोट्स दूंगी. तो प्लीज विद्यार्थियों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पेन लेकर और कॉपी लेकर बैठिए, क्योंकि इतिहास विषय को समझने के लिए मस्तिष्क और कलम दोनों की स्पीड की आवश्यकता है. तो आप चलो हम शुरू करते हैं हमारा सेकंड पेपर का फर्स्ट चैप्टर आधुनिक पाश्चात्य इतिहास की प्रमुख धाराएं के अंतर्गत यूरोप में आधुनिक युग. इसके उद्देश्य में पहले आपको बताऊंगी, उसके उद्देश्य है पहला, नोट करते जाइए, आधुनिक युग का आविर्भाव. दूसरा, यूरोप में आधुनिक काल का समय. तीसरा, आधुनिक युग की विशेषताएं. ये हमारे ऑब्जेक्ट रहेंगे आज के इस टॉपिक के. अब सबसे पहले, जैसा मैंने आपको बताया, आधुनिक युग का आविर्भाव कब हुआ, इसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद है. अधिकतर इतिहासकार यूरोप में आधुनिक का प्रारंभ 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया के पतन से मानते हैं. ये मत देने वाले हैं इतिहास में अग्रणी नाम है फिशर महोदय का. इसके साथ साथ लॉर्ड एक्टन, उनका भी मानना है कि कुस्तुनतुनिया के पतन से ही यूरोप में आधुनिक युग का आविर्भाव हुआ था. आविर्भाव से आशय है उदय, मतलब आधुनिक युग का उदय कब हुआ था, ये आशय है. इसके अलावा जो इतिहासकारों के अन्य मत है वो है, हम देखते हैं कि कोपरनिकस ने जो विचारधारा दी थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो लोगों का ऐसा मानना है कि इस टाइप की जब नई सोच आई लोगों के सामने तो वो आधुनिक युग यूरोप का ही नहीं विश्व का आधुनिक युग का उदय माना जाता है. और कुछ लोग इसके अन्य मत लेते हैं कि जब नई दुनिया खोजी थी यूरोपियन लोगों ने, विशेषकर अमेरिका, तो वो आधुनिक युग था. पर अधिकतर इतिहासकारों के मत को मान्यता देते आ रहे हैं हम इतिहास में. तो यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया के पतन से मानते हैं. यूरोप में आधुनिक युग की विशेषताएं, मैं करीबन इसके 12 पॉइंट आपको बताऊंगी और चार चार पॉइंट आपको एक्सप्लेन करते हुए बताती जाऊंगी. इसलिए आप 1, 2, 3, 4 इस टाइप से पॉइंट नोट कीजिए. सबसे पहले लिखिए सामंतवाद की समाप्ति, एंड ऑफ फ्यूडलिज्म. दूसरा लिखिए बौद्धिक विकास, द न्यू लर्निंग. तीसरा लिखिए राष्ट्रीयता की भावना का उदय. चौथा, राष्ट्रभाषा व राष्ट्रीय साहित्य का विकास. अब हम आते हैं फर्स्ट पॉइंट पर, सामंतवाद की समाप्ति. अगर यूरोप में आधुनिक युग
को समझना है और पुनर्जागरण की विशेषता को समझना है तो सबसे पहला पॉइंट जो एंड ऑफ फ्यूडलिज्म है, अगर आपको ये समझ में आता है तो ये पूरा चैप्टर आपको एक इसका स्पष्ट नक्शा आपके सामने बन जाएगा कि सामंतवाद क्या था। ये शब्द हम भारतीय इतिहास में भी बहुत बार सुनते हैं, पर यूरोप में आधुनिक की विशेषता के अंतर्गत जो सामंतवाद की समाप्ति हुआ एक अलग प्रसंग है। उस समय तत्कालीन यूरोप में, जैसा कि हमने आपको बताया कि 15th सेंचुरी के उत्तरार्ध में हुआ है यूरोप में आधुनिक युग का आविर्भाव, 1453 में हेनरी सप्तम जो इंग्लैंड का शासक बना, ट्यूडर वंशी शासक जो आए हेनरी सप्तम, उन्होंने बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन इंग्लैंड में लाया था, क्योंकि सामंतवादी व्यवस्था इसके पहले राजा पर हावी, सम्राट जो होता था यूरोप के किसी भी राष्ट्र का उस पर सामंतवाद हावी था। सामंतवाद से आशय था भूमि वितरण पर आधारित राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था। कुछ इतिहासकार इसे व्यक्तिगत शासन भी मानते हैं, क्योंकि जो सामंतवादी लोग थे वो छोटे छोटे सूबों में बटे हुए थे और छोटे छोटे राजा जो थे, तो हम सोच सकते हैं कि जहाँ छोटे छोटे राज्य में राजा जैसा चल रहा था तो वहां पर कितने पारस्परिक संघर्ष हुए होंगे, व्यापारिक उन्नति अवरुद्ध हो गई थी। तो ऐसे सामंतवादी व्यवस्था जहाँ पर सामंतवादी व्यवस्था की विशेषता वो मानते थे प्रोटेक्शन, प्रॉपर्टी, सॉवरेनिटी। प्रॉपर्टी का मतलब जैसा कि विदित है भूमि, प्रोटेक्शन मतलब संरक्षण और सॉवरेनिटी मतलब संप्रभुता। अब सबसे पहले इन सब चीज की समाप्ति आवश्यक थी उस दौरान, तो हेनरी सप्तम जब गद्दी पर इंग्लैंड में बैठा तो उसने इसको सबसे पहले स्थिति को जान लिया था, क्योंकि इसके पहले एक बहुत ही इतिहास में फेमस युद्ध हुआ है, वॉर ऑफ रोजेस, गुलाबों का युद्ध। ये 30 वर्षीय युद्ध था और ये इसका कारण सामंतवादी जो व्यवस्था थी उनके कारण इतना लंबा युद्ध चला था। तो उसकी समाप्ति के बाद हेनरी सप्तम ने जो नई दृष्टि दी और उसके बाद उसने इस प्रकार नियंत्रण लाए व्यवस्थाओं में कि सामंतवाद की समाप्ति धीरे धीरे इंग्लैंड के शासक पूरे यूरोप में होती चली गई। तो ये यूरोप में आधुनिक युग का एक नया अध्याय था। दूसरा आप देखिए बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास मतलब द न्यू लर्निंग। इसके पहले यूरोप में जो क्रम चला आ रहा था, अगर नई विचारधारा या तर्क शक्ति की कोई बात करता था तो उसे दंडित किया जाता था, क्योंकि सामंतवाद के साथ साथ जो उस समय धर्म के पोप थे, पोप जो धर्म के सर्वे सर्वा थे, वो आधुनिक विचारधारा को प्रतिबंधित करने के लिए अपनी तरफ से कदम उठाते थे, ना कि बौद्धिक विकास को लेकर कोई बात कहते थे। तो ऐसे में बौद्धिक विकास अवरुद्ध हो गया था यूरोप में, और जब आधुनिकता सामंतवाद की समाप्ति हुई तो नई विचारधारा आई, तर्कीयता शक्ति की वृद्धि हुई और बौद्धिक विकास शुरू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आता है राष्ट्रीयता की भावना का उदय। राष्ट्रीयता की भावना का उदय से आशय है कि उस समय तक यूरोपियन जाति यूरोपियन जाति के नाम से जानी जाती थी, तो यूरोपियन जाति और ईसाइयत ही यूरोप की पहचान बनी हुई थी। वहां पर अलग से कोई नहीं जानता था कि जर्मन क्या है, रशिया क्या है। तो राष्ट्रीयता की भावना का उदय ना होना, उस समय जो विकास था वो रुका हुआ था, आधुनिकता नहीं आई थी। और ऐसे में हमने आपको जैसे बताया कि हेनरी सप्तम के आने के बाद नई दिशाएं मिली, और इसके पहले राजनीति ऐसा माना जाता था राजा के अधीन है और पोप के अधीन धर्म है, पर पोप का और सामंतवादियों का जो राष्ट्रीय राजनीति में भी हस्तक्षेप होने लगा। आवश्यकता थी सामंतवाद की समाप्ति की और पोप के अनाधिकृत अधिकारों की। तो जब ये दोनों समाप्त हो गए हेनरी सप्तम के कार्यकाल में, ट्यूडर वंशी शासकों के समय, तो राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ और हर राष्ट्र अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए उसने अपने आधुनिक और पुनर्जागरण भावनाओं को जगाया। तो राष्ट्रीयता की भावना का उदय आधुनिक युग की एक प्रमुख विशेषता थी। नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा व राष्ट्रीय साहित्य का विकास। विद्यार्थी आप जानते हैं जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश हिंदी भाषी प्रदेश है, इसलिए हम इतिहास भी हिंदी में पढ़ रहे हैं। अगर आप दक्षिण भारत में होते तो आप देखते कि आपको वहां पर अंग्रेजी में या और किसी लैंग्वेज में पढ़ाया जाता। उसका कारण सबसे बड़ा ये कि जो उद्देश्य है कि विद्यार्थियों के पास ज्ञान पहुंचे, वो जिस भी माध्यम से पहुंचे और उसके लिए वो भाषा जितनी वो आत्मसात कर सकता हो, सुलभ हो, तो वो उस भाषा को जल्दी समझता है। तो राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय साहित्य का विकास उस समय की बहुत अहम घटना रही, क्योंकि जैसे अब आगे मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दूंगी कि राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय साहित्य क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि लैटिन भाषा में पहले बाइबल लिखी हुई थी,
पर जर्मनी में एक धर्म सुधारक हुआ महान मार्टिन लूथर, उसने जर्मन में बाइबल का अनुवाद किया। उससे क्या हुआ कि जर्मन राष्ट्र को लगा कि अब वो उसके पास अपना राष्ट्रभाषा में राष्ट्रीय साहित्य है, और वो जैसा कि हम जानते हैं कि धार्मिक किताबें जो एक नई विचारधारा देती है, आत्मविश्वास देती है, तो जर्मन राष्ट्र को बहुत इससे लाभ पहुंचा। और इस प्रकार से धीरे धीरे जब हर देश ने अपनी राष्ट्रभाषा में अपना साहित्य लिखना शुरू किया, तो निश्चित है कि जब अपनी भाषा को समझकर जो नई चीजें आ रही है, आविष्कार हो रहे हैं, नवीनता आ रही है, उसको समझने में जो देशवासी थे उनके लिए बहुत सुविधाजनक हो गया, और राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय साहित्य के विकास से आधुनिक युग आया। आप समझ रहे हैं मैंने आपको जो बताया। अब आपको जैसे हम उदाहरण देते हैं, आपको पहले ये बता दूं, मार्टिन लूथर जिन्होंने बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, ये मार्टिन लूथर बहुत बड़े धर्म सुधारक हुए। इनके कारण धार्मिक आंदोलन हुए थे यूरोप में, और पहली बार चर्च के विरुद्ध सही बात को रखने की यूरोपियन लोगों में एक आत्मविश्वास आया था। आगे हम अन्य उदाहरण और भी देते रहेंगे, जैसे केवल आपको इस एक उदाहरण से जो हमारे शुरू के पॉइंट है, विशेषकर कि बौद्धिक विकास कैसे हुआ, द न्यू लर्निंग, वो समझ में आ जाएगा कि आधुनिक में शिक्षा के विकास में कैसे सहायक हुआ ये मार्टिन लूथर का अनुवाद करना। इसके अलावा आप देखिए अन्य उस समय और यूरोपीय विद्वान जो नोटेड हैं, आपको लिखना चाहिए अगर क्वेश्चन आता है, तो ग्रोसिन, लिनेकर, थॉमस मूर आदि, आप लिख लीजिए यूरोपीय विद्वान जो उस दौरान के माने गए हैं यूरोप के इतिहास में, वो ग्रोसिन, लिनेकर, थॉमस मूर आदि हैं। शेक्सपियर ने इसी समय असाधारण कृतियों का सृजन किया था। शेक्सपियर का स्पेशली मैं इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे हुए हैं जिनके साहित्य को आज भी, क्योंकि कुछ साहित्य या कुछ कृतियां ऐसी होती जो समय के साथ उसका महत्व खत्म हो जाता, पर शेक्सपियर की साहित्य का आज भी बहुत महत्व है। नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगी प्रजाति भावना का विकास। हमने जैसे चार पॉइंट देखे, आधुनिक की विशेषता क्या, प्रजाति भावना का विकास मतलब रेशियल फीलिंग जो आई, हमने जैसा पहले मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, तो पहले जो यूरोपियंस अपने आप को वी आर यूरोपियंस कहते थे, अब वो जर्मनी के हो गए, फ्रांस के हो गए, रशिया के हो गए, इटालियन हो गए, मतलब हर देश की अपनी जाति की भावना उनके साथ जुड़ गई। अब वो अपने आप को यूरोपियन कहते थे, पर यूरोप में वो इटली के अंतर्गत अपने राष्ट्र की बात को रखते थे। तो प्रजाति भावना का विकास जो उस समय हुआ वो आधुनिक युग की वो विशेषता मानते थे, क्योंकि राष्ट्र की भावना प्रबल होगी तो प्रजाति भावना का विकास होगा, क्योंकि हर राष्ट्र अपने राष्ट्र को महान बनाने के लिए आधुनिक नवीनताएं लाने की कोशिश कर रहा था। तो प्रजाति भावना का विकास से आशय ये है कि आप यूरोप को हम जर्मन, रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, स्विट्जरलैंड इस नाम से जाने जाने लगे। नेक्स्ट है आपका जैसे व्यक्तिवाद का विकास, ग्रोथ ऑफ ह्यूमेनिज्म। तो व्यक्तिवाद का विकास ये कि ये जो सामंतवाद की समाप्ति में सबसे बड़ा व्यक्ति हित की जो बात हमने कहा कि राजाओं ने कहना शुरू किए थे उस समय के तत्कालीन यूरोप के जो शासक थे, वो व्यक्ति हित की बात करने लगे, क्योंकि सामंतवादी व्यवस्था में सामंत शाही का ही सिर्फ फायदा हो रहा था, पर व्यक्तिवाद के विकास में व्यक्ति हित, प्रजा हित की जब बात आई तो प्रजा डायरेक्ट मतलब उस समय के शासकों से जुड़ती चली गई, और प्रजा में और शासक में एक जो संपर्क और तालमेल हुआ, तो उससे सामंतवाद का तो अंत हुआ ही। और हम जैसा कि जानते हैं व्यक्तिवाद से मतलब अगर राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति होता है, तो व्यक्ति का हित, समाज का हित, राज्य का हित, राष्ट्र का हित, तो सर्वोपरि फिर राष्ट्र का हित अपने आप आ जाता है। तो व्यक्तिवाद के विकास से आधुनिक युग आया और जो बहुत सहायक हुआ प्रजा और शासक दोनों के लिए। नेक्स्ट है छापे खाने का आविष्कार। आप समझ रहे हैं कि जो मेन पॉइंट्स मैं बता रही हूं उनमें भी अगर आपसे कोई सिर्फ दो पॉइंट्स पूछे तो एक है सामंतवाद का समाप्ति, दूसरी है छापे खाने का आविष्कार। छापे खाने का आविष्कार उस समय की सबसे क्रांतिकारी घटना थी। अब आपको लगेगा कि इसमें क्या क्रांतिकारी बात, क्योंकि आज आप मोबाइल युग में जी रहे हैं, पर छापे खाने का आविष्कार उस समय जो हुआ था वो बहुत बड़ी घटना मानी गई थी, क्योंकि इसके पहले जितने भी लिखा जाता था साहित्य वो हाथ से लिखा जाता था। तो आप समझ रहे हैं कि हाथ से लिखने से उसकी पहुंच कहां तक रही होगी, पर छापे खाने का आविष्कार जब जैसे खोजा गया तो उसमें सर्वप्रथम जर्मनी में गुटेनबर्ग ने इसका आविष्कार किया था। अब आप यहाँ पे ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं छापे खाने का आविष्कार किसने किया, अगर ऐसा पूछे तो आप लिखिएगा गुटेनबर्ग,
और अगर ऐसा पूछे कि इसका प्रचलन किसने शुरू किया तो वो है कैक्सटन। तो आप ध्यान रखना, जर्मनी में गुटेनबर्ग ने इसको सबसे पहले आविष्कार किया, इसका प्रचलन जो है मतलब इसको काम में लाना शुरू किया इंग्लैंड के कैक्सटन ने 1476 ईस्वी। ये मैं आपसे आगे आपको रिमाइंड करने के लिए आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, तो ध्यान रखना वही बच्चा आंसर दे पाएगा जिन्होंने ये मेरे पॉइंट्स नोट किए हैं। जर्मनी में गुटेनबर्ग, इंग्लैंड में कैक्सटन और 1476 ईस्वी में इसका प्रचलन शुरू हुआ। तो उससे पूरे यूरोप में साहित्य की बाढ़ सी आ गई और तर्क शक्ति की जो हम बात कर रहे हैं बौद्धिक विकास की, वो बहुत ही आगे आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन में भी शिक्षा प्रसार से तर्क शक्ति में वृद्धि हुई, क्योंकि धार्मिक आंदोलन से मतलब धर्मों में स्वतंत्रता आना। तो मार्टिन लूथर वहां पे पूजा जाने लगा था, क्योंकि मार्टिन लूथर ने धर्म की स्वतंत्रता पहली बार उसने धर्म की सही बात को रखने की कोशिश की थी। तो आप देखिए, अगर धार्मिक आंदोलन सही हुआ तो उससे सबसे ज्यादा फायदा हुआ शिक्षा के प्रसार में और तर्क शक्ति में वृद्धि भी हुई। धर्म सुधारकों का आविर्भाव मतलब वही, फिर से बहुत सारे धर्म सुधारक हुए। जर्मनी में लूथर प्रमुख है, जैसा मैं बार बार आपको बता रही हूँ। पोप के प्रति अंधभक्ति की समाप्ति, क्योंकि इसके पहले पोप जो कह देता था उसको प्रजा को मानना जरूरी था, क्योंकि पोप के विरुद्ध जाना दंडनीय अपराध जो माना गया है। नवीन चर्च प्रोटेस्टेंट की स्थापना, ये बहुत बड़ी बात थी उस समय, क्योंकि इसके पहले जो एक निश्चित पोप के द्वारा बातें कही जाती थी बस वो ही मुख्य हो गई थी। पर मार्टिन लूथर के धर्म सुधार आंदोलन के बाद नवीन चर्च प्रोटेस्टेंट की स्थापना हुई। अब एक और पॉइंट आता है, साम्राज्यवादिता का जन्म, राइज ऑफ इंपेरियलिज्म। अब आप विद्यार्थियों समझिए, जितना आपने टोटल ये देखा अभी तक कि सामंतवाद का अंत हो गया, फिर बौद्धिक विकास हो गया, उसके बाद मतलब धर्म सुधार हुआ, तो उससे क्या फायदा, और राष्ट्र का विकास कैसे हो गया कि राष्ट्रीयता की भावना का, तो उसमें सबसे बड़ा फायदा आपको साम्राज्यवादिता, पहले आप समझ लीजिए कि जिस प्रकार यूरोप के देशों ने दूसरे देशों में आधिपत्य जमाना शुरू किया, वो किसी भी रूप में, कुछ देशों में राजनीतिक रूप में, कुछ देशों में आर्थिक, अपने आर्थिक विकास के लिए उन्होंने आधिपत्य जमाया। आप मतलब समझ सकते हैं कि जैसे इंग्लैंड ने नवीन उपनिवेश स्थापित किया, हम इंग्लैंड का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इंग्लैंड ने हम पे भी अधिकार किया था। तो आप केवल भारत पर इंग्लैंड का जो अधिकार रहा उसे समझ सकते हैं कि साम्राज्यवादिता से इंग्लैंड को क्या क्या फायदे हुए होंगे। कि जैसा हम जानते हैं कि वो भारत से कच्चा माल चाहता था और उसके पास खूब सारी मशीनें, आधुनिकता आ गई थी और वो रॉ मटेरियल ले जाता था, बाजार भी उसको भारत में भी मिल गया। जो उपनिवेश थे वो कच्चा माल भी देते थे और बाजार भी देते थे, तीनों दिन उनकी प्रगति होती चली जा रही थी। और इसी दौरान दिशा सूचक यंत्र, जो बहुत बड़ी बात, इसी के कारण जो खोजे हुई है दूसरे देशों की, क्योंकि समुद्र की यात्रा जब ज्यादा सुलभ थी, पर समुद्र की यात्रा में अधिकतर नाविक जो रहते थे मृत्यु हो जाती थी उनकी, क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता था कि कब कौन सी दिशा में जा रहे हैं या तूफान आने वाला है या क्या। दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार उस समय बहुत बड़ी घटना थी। इसी कारण से कोलंबस ने नई दुनिया खोज निकाली, अमेरिका, वास्को डिगामा ने भारत खोज निकाला। आगे हम आपको बहुत सारे बताएंगे जो जो खोज, पर मैं मुख्य जो पॉइंट्स जो आप जरूरी डालना रहता है वो बता रही हूँ। जो अभी तक मैंने 8-9 पॉइंट बताया आपके चिंतन का, और आपने आपकी स्मृति कैसी है इतिहास विषय को लेकर, वो आपकी खुद आप जांच सकते हैं। अब देखिए, जैसे प्रश्न है, किस वर्ष में यूरोप के आधुनिक युग का श्री गणेश माना जाता है। अब मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ, अगर आपने जिसने ध्यान से मेरा लेक्चर सुना होगा वो बता सकता है कि कौन से सन मैंने आपको बताया था। अब जैसे 1452, 1453, 1454, 1455, मुझे विश्वास है कि अधिकतर विद्यार्थी सही बता रहे होंगे, क्योंकि हमने शुरुआत में जिक्र किया और आपका पेपर भी जो है आधुनिक पाश्चात्य इतिहास की प्रमुख धाराएं वो 1453 से शुरू होता है और 1871 तक खत्म होता है। तो जो कुस्तुंदुनिया का पतन का सन तो आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद होना चाहिए कि 1453 ईस्वी में कुस्तुंदुनिया का पतन हुआ था, इसी से यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत मानी गई है। और प्रश्न आप देखिए, आधुनिक युग का प्रमुख कारण क्या था। कारण तो बहुत सारे, अभी और मैं आगे आपको बताऊंगी, 9 पॉइंट आपको बता चुकी हूँ, पर फिर भी जैसे एक कोई मेन कारण या तात्कालिक कारण मानता है तो वो है सामंतवाद का पतन। समझ में आया, आधुनिक युग का प्रमुख कारण है सामंतवाद का पतन। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक युग के पूर्व मध्य युग को किस नाम से जाना जाता था, मतलब
जैसे हमारे यहाँ भी है प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास, आधुनिक काल का इतिहास, तो ये तो आप समझ गए कि आधुनिक पहले मध्य ही आता होगा, पर उस युग को किस नाम से यूरोप के इतिहास का लिखते हैं, तो आप देखिए वो है अंधविश्वास का युग, आधुनिक युग के पहले अंधविश्वास का युग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए, बाइबिल का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया, ये तो आपको बहुत बार मैंने इस लेक्चर में बोला है, मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में पहली बार अनुवाद किया था। अब है छापे खाने का प्रचलन कब शुरू हुआ, मतलब सबसे पहले जो छापे खाने का आविष्कार तो किसने किया था, याद है आपको गुटेनबर्ग, और प्रचलन किसने शुरू किया था वो भी आपको याद होगा कैक्सटन, पर इसका सन आप याद करके बताइए क्या है, वो है 1476 ईस्वी, राइट। नेक्स्ट, छापे खाने के आविष्कार के पूर्व पुस्तकें, आपको फिलिप ब्लैंक जब भी आएगा तो हाथ से लिखा हो, मैंने तो आपको बता दिया ऐसा नहीं आएगा, यहाँ पे जैसे डॉट डॉट बने होंगे और फिर लिखा रहेगा कैसा होता था, तो आपको याद रखना चाहिए कि आविष्कार, छापे खाने के आविष्कार के पहले पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी। नेक्स्ट एक और प्रश्न देखिए, अमेरिका को किसने खोजा था तथा कब, तो ये आपको इस टाइप के प्रश्न जनरल नॉलेज में हर विषय में काम में आएंगे और एमए में भी काम में आएंगे, और सबसे बड़ी बात ये आपको भारतीय इतिहास में भी ये वाले प्रश्न आते हैं, इसलिए कुछ कॉमन प्रश्न है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से याद करना है। तो अमेरिका को कोलंबस ने खोजा था 1492 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत को किसने खोजा था तथा कब, और वास्को डिगामा कहाँ का था, क्योंकि ये भी याद होता है, प्रश्न ऐसे भी आ जाते हैं जैसे कोलंबस किस देश का था, तो आपको याद होना चाहिए वो है स्पेन का, ऐसे वास्को डिगामा ने भारत को खोजा था 1498 में और वो था पुर्तगाल का, ध्यान रखिएगा कोलंबस था स्पेन का, वास्को डिगामा था पुर्तगाल का। हमने 9 कारण आपको बताए थे, बीच में मैंने आपसे प्रश्न इसलिए किए कि जिससे आप कुछ भूल गए हो तो याद करके फिर से लिख लीजिए, और फिर आगे दूसरे कारण आपको समझ में आते जाएंगे। तो अन्य कारण आधुनिक युग के हैं, 10वां कारण है जैसे व्यावसायिक संगठन, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आप देखिए उस समय जो सबसे बड़ी बात हुई थी और जिसके कारण साम्राज्यवादिता फैली और आपसी संघर्ष राष्ट्रों में भी शुरू हुए, वो था दो प्रतिस्पर्धी वर्गों का जन्म, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग। पूंजीपति और श्रमिक वर्ग मतलब समाजवाद का आगमन, समाजवाद का आगमन भी क्रांतिकारी घटनाओं में एक, मतलब इतिहास के टर्निंग पॉइंट का एक मुख्य घटना मानी गई है। ये बहुत बड़ी घटना थी क्योंकि ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, व्यवसाय संगठन में जो पूंजीपति श्रमिक वर्ग आया तो समाजवाद का भी आगमन शुरू हुआ। और आप आगे जितने भी और चैप्टर्स पढ़ेंगे, जैसा मैं आपको शुरू से बोल रही हूँ आधुनिक युग की विशेषताएं समझ में आएगी, तो आगे आने वाले चैप्टर्स आपके इसी टॉपिक पर है, जो आपके पॉइंट्स हैं। एक और देखिए आप, अस्त्र शस्त्र की उन्नति, गन पाउडर एंड आर्टिलरी। अस्त्र की उन्नति से आपको लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बात आधुनिकता की आई, इसमें आप इस पॉइंट से आप समझिए कि मशीन तो बंदूक के आविष्कार, आप इस पॉइंट से आप सेकंड वर्ल्ड वॉर तक की सिचुएशन समझ जाएंगे और उस राष्ट्र का आक्रामक होना समझ जाएंगे, क्योंकि और राजा की शक्ति बढ़ना, मतलब जैसे सामंतवाद की समाप्ति के बाद और फिर धार्मिक आंदोलन के बाद राजा के पास दो प्रमुख शक्तियां आई थी, एक तो प्रजा का सहयोग मिलना, दूसरा था पोप का हस्तक्षेप जाना, और तीसरी महत्वपूर्ण चीज आई थी उसके पास अस्त्र शस्त्र की उन्नति, जो अन्य राष्ट्रों से वो तुलना करने पर अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर सकता था। मतलब जिस राष्ट्र के पास मशीन, तोप, बंदूक अधिक थे, वो राष्ट्र सबसे विकसित राष्ट्र माना जाने लगा, सबसे शक्तिशाली राष्ट्र, और राजा इस पर प्रतिबंध लगाने की भी अधिकार रखता था। तो अस्त्र की उन्नति से आधुनिक युग मतलब अपने पिक पर आ गया। नेक्स्ट पॉइंट एक और देखिए आप, वैवाहिक संबंध। वैवाहिक संबंध आपने जैसे भारतीय इतिहास में आप पढ़ते हैं, मध्यकाल पढ़ा होगा, प्राचीन काल पढ़ा होगा, प्राचीन काल से हम देखते आ रहे हैं कि वैवाहिक संबंध से किस प्रकार राष्ट्रों में पारस्परिक संघर्ष कम हो जाते हैं और अपने स्वार्थ हित के लिए वो जो कदम उठाते हैं वो कई बार राष्ट्र को बहुत ही फायदे भी पहुंचाते हैं। जैसे कि आपने प्राचीन काल में देखा होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय सेल्यूकस आया था, चंद्रगुप्त मौर्य की जो बहन थी उसकी शादी यूनानियों में की गई थी केवल संबंध सुधारने के लिए, क्योंकि सिकंदर ने भी आक्रमण किए थे उस दौरान,
तो यूनानियों से संबंध सुधारने के लिए उन्होंने ये अपनाया था। और मध्यकाल में सबसे बड़ा उदाहरण है अकबर का। आप सोचिए, केवल वैवाहिक संबंध से ही अकबर ग्रेट बन गया, और तो थे उसके पास। तो उसने, क्योंकि राजपूतों से संबंध स्थापित किए, तो उसके समय उसको शासन काल चलाने के लिए बहुत ही सुविधाजनक हो गया था। तो उसी प्रकार से आधुनिक युग में जब सब राष्ट्रों में भी राष्ट्रीय भावना का अधिक विकास हो गया, कुछ राष्ट्र जब एक दूसरे के कंपैरिजन में प्रतिस्पर्धी नहीं बनना चाहते थे, वो सब अपनी महानता सिद्ध करना चाहते थे, तो उन्होंने वैवाहिक संबंध आपस में स्थापित किए। और आप देखिएगा, आगे जब भी आप, और मैं आपको जो लेक्चर्स बताऊंगी उसमें आप देखना कि किस प्रकार जो ये वैवाहिक संबंधों से इंग्लैंड को या फिर स्विट्जरलैंड को आपस में फायदा हुआ, स्पेन की महारानी का इंग्लैंड से संबंध क्यों हुआ, मैं आपको डिटेल्स और बताऊंगी। आप ये 12 पॉइंट समझ रहे हैं पूरे क्रम से, आप याद रखेंगे, क्योंकि ये आप किताबों में जब देखेंगे तो बहुत ही लेंथी क्वेश्चन का आंसर है, 20-25 पेजेस में है। मैंने आपको आज की जो पैटर्न है बीए पार्ट वन का जो क्वेश्चन पेपर आता है उसके आधार पर आपको ये बताया, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स आपने देखे। शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जिसको मतलब ऐसा आता है 50 वर्ड्स में लिखिए, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन 150 या 200 में। तो आपको संक्षिप्तीकरण एक बार अगर दिमाग में बैठ गया, उसके बाद अगर आप अच्छी टेक्स्ट बुक से भी पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। अब कुछ जिज्ञासा आप और देखना चाहें, पुनः मैं आपके रिमाइंड करना चाहूंगी, जॉन गुटेनबर्ग ने जो जर्मनी का था छापे खाने की मशीन का आविष्कार किया था। दूसरा कोपरनिकस, जिसकी बात मैंने कहा कि कोपरनिकस के आधार पर तो बहुत सारे इतिहासकारों ने आधुनिक युग की शुरुआत ही उसकी विचारधारा से माना था। तो जो उसकी वो विचारधारा है वो ये है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। मतलब ये विचारधारा जब आई तो लोगों को ये नई दिशा दी थी उस समय के विज्ञान ने। आज आप इतिहास के बच्चे हो तो भी आपको ये बता होगा, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है, आप उनका समय भी देख रहे हैं, 1473 से 1553 ईस्वी के हैं कोपरनिक, तो ये 16वीं-15वीं शताब्दी की बातें हैं। इसलिए आज आपके लिए बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं, पर उस समय कोपरनिकस की ये वैचारिक क्रांति का सूचक थी। इसलिए मैं बोली, मैंने ये चैप्टर आपको समझाने के लिए इसलिए चुना क्योंकि ये हमने देखा इस सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है, और इसके आधार पर ही पूरी यूनिट लिखी गई है। और जो यूरोप में आधुनिकता का पूरा काल हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर इवन सेकंड ईयर में, वर्ल्ड हिस्ट्री जो आपके 47 तक गई है सेकंड वर्ल्ड वॉर तक, तो उसका जो शुरुआत है वो आधुनिक युग की विशेषताओं के आधार पर ही स्पष्ट होती है। अभी आप सुन रहे थे ध्वनि कार्यक्रम यूरोप में आधुनिक युग। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थी डॉक्टर रंजना शर्मा, उद्घोषिका थी फरनास। इस कार्यक्रम का संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम NITTTR भोपाल के सहयोग से मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया है।